शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थोड़ी देर पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेके आए, कहाँ पे है वो? वो तो आईसीयू में। जा दिखाएंगे? जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। कौन है आप? यहाँ आईसीयू में आना मना है। सीआईडी। ओ। कहिए, क्या बात है? अब कैसी तबीयत है इस लड़की की? वैसे खतरे की कोई बात नहीं है, सर पर गहरी चोट आई है। जब तक इसे होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकती। ये है कौन, कुछ मालूम है आपको? जब इसे यहाँ लेकर आए तो इसकी हालत बहुत खराब थी, टाइम ही नहीं मिला देखने का कि ये है कौन। इसका कोई सामान या पर्स वगैरह था, कोई लाया साथ में? हाँ, एक बैग तो है। नर्स, ब्रिंग दैट बैग। वैसे तो अक्सर ऐसे केसेस में सड़क चलते लोग सामान लूट लेते हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, एक अच्छा इंसान इसे यहाँ लेकर आ गया। ये लीजिए। थैंक यू। मैं देख लेता हूँ। हाँ। आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। हाँ बताइए। ये जो आईसीयू वाली लड़की है उसका बैग मैं खोलने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे। आप क्या बैग में से सामान चुराने वाले हैं? अगर इसमें से मैं सामान चुराता तो आपको क्यों दिखाता? देखिए, अगर इस बैग में से कोई ऐसा सामान निकलता है जो गड़बड़ है तो आप इस बात की गवाह होंगी कि मैंने उसमें नहीं डाला है। ठीक है, खोलिए बैग। थैंक यू। शायद कोई ऐसा सामान मिल जाए जिससे पता चले कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। जी कहिए, घर में कोई है?
बात यह है कि अनुष्का का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में आईसीयू में है। क्या? किसका एक्सीडेंट हुआ? जरा दोबारा कहिए। अनुष्का का। किस अनुष्का की बात कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। हुआ है। आप अनुष्का है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं अनुष्का हूँ और आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। देखिए, अगर आप अनुष्का है तो फिर वो कौन है जो हॉस्पिटल में है? होगी कोई। होगी कोई का मतलब? देखिए, अनुष्का यही रहती है इसी एड्रेस पर, तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ एक अनुष्का रहती है और वो मैं हूँ। वो जो हॉस्पिटल में पड़ी है वो कोई फ्रॉड है। यस डॉक्टर, अभी कैसी है वो? होश में आई क्या? हाँ, अब थोड़ी अच्छी है, शायद जल्दी होश आ जाएगा उनको। हाँ अभिजीत, लड़की होश में आ गई। सर, डॉक्टर कह तो रही है कि जल्दी होश आ जाएगा। ये अनुष्का की सिस्टर है क्या? नहीं, गड़बड़ है अभिजीत। क्या गड़बड़ है सर? अभिजीत ये कह रही है कि ये अनुष्का है। और ये अनुष्का है? तो वहाँ आईसीयू में कौन है? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि वो है कौन जो अपने आप को अनुष्का कह रही है। मान लीजिए सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस मैंने खुद चेक किया है सर, ये देखिए, ये अनुष्का एस, रोज कॉटेज, पारस रोड, गोरेगांव ईस्ट। वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ सर, ये देखिए सर, ये इसका पैन कार्ड है और ये पासपोर्ट, दोनों असली है सर, यही अनुष्का है। कमाल, फोटो को छोड़ कर सारी डिटेल सेम है। अभिजीत, मुझे तो लगता है ये आईसीयू वाली लड़की कुछ तो गड़बड़ करके भागी है और भागते वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये हो सकता है सर। इसकी कार में जो दो नंबर प्लेट्स थी सर, मैंने दोनों चेक कराई हैं। दोनों की दोनों नंबर प्लेट्स नकली हैं। दोनों की दोनों नकली है? जब नंबर प्लेट नकली हो सकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस की क्या गारंटी है? इसने वो भी नकली बनवा लिया होगा। मगर सर, ये लड़की अनुष्का बनी क्यों होगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ अभिजीत, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देख के आती हूँ ये है कौन। तुम हो? देखो, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। तुम बोलो, तुमने मेरा नाम और मेरा एड्रेस क्यों चुराया? क्या करने वाली थी तुम? एक मिनट, आप जरा धीरे बोलेंगे, उनकी तबीयत खराब है। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जी हाँ। तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो तुम और अनुष्का के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर क्यों घूम रही थी? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी गाड़ी पे दो दो नकली नंबर प्लेट्स लगे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा सर घूम रहा है। देखो, ये एक्टिंग करना बंद करो, समझी? सच सच बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुबह। मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डॉक्टर, मेरा नाम क्या है? नर्स, जल्दी से एक नींद का इंजेक्शन दो। इंजेक्शन? नो, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए।
कमी थी। पहले तो इसे होश नहीं आ रहा था और अब होश आया तो याद दज गया। चक्कर क्या है ये? अभिजीत, इस लड़की के पर्स में और क्या था? मैं एक काम की चीज थी सर। क्या? ये रेस्टोरेंट का बिल है, 5,000 से ऊपर का है। 5,000 रुपए के ऊपर का रेस्टोरेंट का बिल? इतना खाना तो कोई अकेले नहीं खा सकता है, जरूर इसके साथ कोई तो होगा। आइए सर, लंच? नहीं, हम कोई लंच वंच करने नहीं आए, हम थोड़ी पूछताछ करने आए। पूछताछ? बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? इस लड़की को पहचानते हैं? शायद कल रात ये यहाँ खाना खाने आई थी। नहीं, ये लड़की यहाँ नहीं आई थी। लगता है सर उस लड़की ने यहाँ से बिल चुराया होगा। लेकिन हमारे होटल का बिल क्यों चुराएगा कोई? बिल नहीं चुराया तो इस लड़की के पर्स में आपके होटल का बिल कहाँ से आया? बिल दिखा सकते हैं आप प्लीज? ये देखिए, रात 10:30 टेबल नंबर 12, इस पर तो शाम की ड्यूटी रहती है। शाम? ये शाम वेटर है, जरा बुलाओ उसे। जी महेश, शाम को बुलाना जरा। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से। CID? आपने मुझे बुलाया सर? हाँ श्याम, ये CID से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्याम, इस लड़की को पहचानते हो? ये लड़की कल रात 10:30 टेबल नंबर 12 पे बैठी। जी हाँ सर, ये कल यहाँ आई थी और मुझे 200 रुपए टिप भी दिए थे सर। अच्छा, ये अकेली आई थी या इसके साथ और भी कोई था? दो लड़के थे सर। दो लड़के? दिखने में कैसे थे ये दोनों लड़के? एक सर काफी लंबा था, हीरो जैसा दिख रहा था सर, और चश्मे पहने थे। दूसरा सर थोड़ा छोटा था और गंजा था। अच्छा, बिल कैसे दिया उन्होंने? क्रेडिट कार्ड से या कैश? नहीं सर, कैश दिया था। और कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? और तो नहीं सर। हाँ सर, याद आया, वो यहाँ से जाने से पहले मुझे ग्रीन पैलेस का रास्ता पूछ रहे थे। होटल ग्रीन पैलेस? यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली, श्योर। या वेलकम सर। हम लोग CID से। सर ध्यान से सोच के बताना, इस लड़की को जानते हो? कल रात यहाँ आई? नहीं सर, ये लड़की यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक से याद करो, इस लड़की के साथ दो लड़के भी आए थे, एक ऊंचा सा हीरो जैसा, उसने चश्मा पहना था, और दूसरा नाटा गंजा है। माफ कीजिए सर, पर इतना सब कुछ हमें याद नहीं रहता। ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, अगर तुम इन दोनों को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी जेल में जाओगे, समझे? हाँ याद है। तो बताओ कहाँ ये दोनों? सर वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 106 में, अभी भी उस कमरे में है सर। रूम नंबर 106? बंद कर यार टीवी। एक तो सुबह से उसने कॉल नहीं किया और तू यहां पे बैठ के टीवी देख रहा है, और ये क्या 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 चिप्स खा रहा है तू यहां पे? अबे मेरे चिप्स खाने से या टीवी नहीं देखने से उसका फोन आ जाएगा क्या तेरे पास? तू ढीला है यार, तू कभी नहीं सुधरेगा। तू मुंबई पुणे हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक कार गहरे गड्ढे में, आप देख सकते हैं कि कार कितनी बुरी तरह हादसे का शिकार हुई। इस कार को चलाने वाली एक लड़की थी जो इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई और इस वक्त उसे एमएम हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा है। ये तो जूलिया की कार है यार, कल इसका एक्सीडेंट हो गया। मैं सोच रहा हूँ उसको सुबह से फोन क्यों नहीं आया। खैर क्या कहती, हमें कुछ भी कर इसे अस्पताल से निकालना हो गया। कमान यार प्लीज। कौन है? जरा दरवाजा खोलो। सब लोग अंदर बैठो। अंदर 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 सब
लोग अपने कमरे के अंदर का से चेक करते देखते कुछ मिलता है क्या। हाँ चलो CID की ड्यूटी बड़ी मुश्किल है। नेगेटिव डेवलप करके देखो। स्केच बन गए सर। दे दो सर। सर दोनों के स्केच तैयार हो गए सर। वेरी गुड। अब हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स और डाटाबेस में ढूंढो इनके बारे में। जिस तरह से ये होटल से भागे लगता है ये पुराने पापी है। ठीक है मैं देखता हूं। मतलब सर ये दोनों बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। ये देखिए सर ये बाल वाला है, ये विक्की, इसके पास यूके का पासपोर्ट है। और ये जो गंजा है सर ये प्रतीक, ये तो इंडिया से ही भागा है। यहाँ पे 11 किडनैपिंग और मर्डर्स किए हैं लोगों ने। और सर ये अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ते, अगर पैसा मिल भी जाए तो भी मार ही डालते हैं। इसका मतलब है अभिजीत ये लोग इंडिया में भी किडनैपिंग करने वाले हैं। हेलो वेरी गुड थैंक यू सर। वो जो निगेटिव भेजी थी हमने डेवलप करने के लिए उसकी फोटो उन्होंने ईमेल के थ्रू भेजी है सर। अच्छा अभिजीत देखो जरा मेल में। आपका अंदाजा सही निकला सर, ये लोग यहाँ पे भी किडनैपिंग कर रहे हैं। मगर सर पिछले 2 हफ्ते में तो कोई नई किडनैपिंग की रिपोर्ट नहीं आई सर। मतलब किडनैपर्स ने इसकी फैमिली को धमकाया होगा और डर के मारे फैमिली ने कहीं भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। सर पता कैसे चलेगा कि ये लड़का कौन है। एक मिनट सर, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सर। तो याद करो कहाँ पे देखा है। शायद किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में श्री की पार्टी में मैंने इसकी फोटो देखी थी सर। इसका नाम यशवर्धन है सर। ये मिस्टर हर्षवर्धन का बेटा है सर। यशवर्धन मतलब हर्षवर्धन का बेटा यशवर्धन किडनैप हुआ है।
अभिजीत, जल्दी से हर्षवर्धन का एड्रेस ढूंढो, इसी वक्त उसके घर चलते हैं। सर, देखिए सर, एक बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन प्लीज सर, प्लीज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, और सीआईडी इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा। देखिए हर्षवर्धन जी, 5 करोड़ मांगे हैं उन्होंने, 5 करोड़, मेरे बेटे की जान की कीमत। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ, लेकिन उसे बचाकर जरूर लाऊंगा। आखिर मेरा बेटा है वो सर, मेरा बेटा। आपको क्या लगता है पैसे देने के बाद वो आपके बेटे को छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? हर्षवर्धन जी, समझ में नहीं आता मैं आपसे ये बात कहूं या बताई देता हूं। ये लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं है, इंटरपोल तक उनके पीछे पड़ी है। किडनैप करने के बाद उन्होंने आज तक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है। सर प्लीज, प्लीज सर, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए, प्लीज सर। नहीं, ये सच है, इसलिए आप प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम लोग आपके बेटे को छोड़ा देंगे। आप कुछ भी करो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, प्लीज। हर्षवर्धन जी, क्या सोचा है आप लोगों ने? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। देखिए घबराइए मत, हम लोग आ गए, आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, जान की बाजी लगा देंगे। ये पैसे कहां पहुंचा? वो फोन करके बताने वाले थे आज। कब आएगा फोन सर? 2 बजे। 1 बज गए सर, 1 घंटा बाकी है। तैयार हो जाओ। हर्षवर्धन जी, बात करने से पहले स्पीकर फोन ऑन करो। दूसरी बात, कम से कम 40 सेकंड तक बात करते रहना, या फिर उससे ज्यादा भी, ताकि हम पता लगा सके कि ये फोन कहां से आ रहा है। फ्रेडरिक्स वहां तैयार बैठा है, ट्रैक कर रहा है, समझे? चलिए स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो। अरे इतना वक्त क्यों लगाया अबे फोन उठाने में तूने? मैं बाथरूम में था। फोन आने के टाइम पे बाथरूम क्यों गया बे? फोन आने से पहले पेंट गिली हुई क्या? पैसा तैयार है ना? जी जी, पूरे पूरे 5 करोड़ रुपए। शाबाश, तो फिर बैग लेके सीधा मलाड हाईवे पे पहुंचा। न्यूज़पेपर बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद मैं तुझे दोबारा फोन करूंगा, समझा? ठीक है ठीक है। और सुन, अकेला आना, अगर कोई भी होशियारी की तो तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा, समझा? हाँ हाँ, मैं अकेला ही आऊंगा, अकेला आऊंगा। हेलो हेलो सर, 39वें सेकंड पे ही फोन कर गया सर। 1 सेकंड और बात करता तो पता चल जाता कहां से फोन आया है। हर्षवर्धन जी, मैंने आपको कहा था कि बात करते रहो। खैर कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। दया, माइक्रोफोन लगा। सर, ये एक माइक्रोफोन है जो मैं आपके पॉकेट में लगाता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे उस किडनैपर से जो कुछ भी बात करेंगे हमें सुनाई देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए आप घबराइए, मैं इनकी कार में पीछे वाली सीट में छुप के बैठा रहूँगा, और हम लोग भी इनके पीछे वाली गाड़ी में रहेंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन उन्हें पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा। दया, बैग तैयार है ना? यस सर। और एक बात, हमारे पास ये ट्रैकिंग डिवाइस है, ये हम लोग बैग में लगा देंगे,
अगर वो लोग बैग लेके निकल भी गए तो भी हमें पता चलता रहेगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। बिल्डिंग तो आ गई, किसी भी वक्त किडनैपर का फोन आना चाहिए। फोन ढूंढ रहा था। ठीक है गाड़ी स्टार्ट कर और सीधा सीधा चल। अच्छा ट्रैकिंग चालू रखो। गाड़ी साइड में लगा। क्या का पीछा करो। सर मैं अभी जाके उसे पकड़ लेता हूं। सर पकड़ना नहीं है फ्रेडरिक्स, सिर्फ पीछा करना है, समझे? अभी चल यू टर्न लेना, शायद वो किन्ने पर वहीं पर खड़ा होगा। अच्छा ठीक है। हाँ तू आगे आ जा, आगे बैठ जाओ। Thank you.
पैसे लेकर भाग गए और बैग यहां पर फेंक दिया। टैक्सी का पीछा कर रहे हो ना? टैक्सी तो गायब हो गई सर, लेकिन मैंने उसका नंबर नोट कर लिया। क्या नंबर है? MH02WA8160। हेलो, बहुत होशियार समझता है खुद को। अबे कहा था ना तुझसे सीआईडी को मत बुलाना। नहीं नहीं, मैंने सीआईडी को नहीं बुलाया। अच्छा तूने नहीं बुलाया, उनको सपना आ गया था है? तेरा बेटा अब गया था। प्लीज मेरे बेटे को मत करना। सर सुनो, क्या हुआ? हे भगवान, अब वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, किडनैपर्स पैसे लेकर भागे और बैग यहाँ पर फेंक दिए। लेकिन सर फ्रेडी ने उस टैक्सी का नंबर नोट किया है, शायद यही एक रास्ता है उन लोगों तक पहुँचने का। कोई बात नहीं, टैक्सी यूनियन में अपनी काफ़ी जान पहचान है, वहाँ से पता चल जाएगा। हेलो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। रमेश है क्या? क्या बात है अभिजीत साहब, मैं रमेश ही बोल रहा हूँ। इतने साल हो गए, आवाज भी भूल गए क्या? अरे नहीं यार रमेश, मैं थोड़ी मुसीबत में, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली एक टैक्सी का पीछा कर रहा था मैं, उसका नंबर है MH02WA8160। वो हमारे हाथ से निकल गई है, हमें पता करना है कि वो टैक्सी किसकी है और इस वक्त कहाँ पे है। ओके मैं भी देखता हूँ, आप होल्ड कीजिए। कांतिलाल ने टैक्सी चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। क्या चोरी हो गई? चोरी हो गई? अच्छा एक काम करो, आजकल हर टैक्सी वाले के पास मोबाइल फोन होता है, सबको इन्फॉर्म कर दो। पता करो ये टैक्सी कहीं पे भी दिखाई पड़े हम लोग को फौरन इन्फॉर्म कर दे।
बेटा यशवर्धन, क्या आखिरी ख्वाहिश है तेरी? विक्की, इसकी आखिरी ख्वाहिश छोड़, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने का वक्त आ गया। सीआईडी को पता चल गया हम लोग यहाँ पे हैं। सीआईडी? इसका क्या करें? वही कर दे जो हमेशा करते हैं, निपटा दे इसको फटाफट। नहीं, मुझे मत मारो। हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना इस बार गोली सिर पे लगेगी। जिंदगी पर बात करने का बहुत शौक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों की वजह से मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। विक्की, विक्की। हॉस्पिटल के आईसीयू में थी और जब मैंने वहां पर तुम सब सीआईडी वालों को देखा तो मुझे अपनी याददाश्त चले जाने का नाटक करना पड़ा, वरना मैं तो कब से अस्पताल से निकल चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला। इंटरपोल से भागे हुए बेचारे जाने माने मुजरे। इंटरपोल से तो बच गई थी पर सीआईडी से बच नहीं सकी। क्यों? नादान है बेचारे, अब जेल में बैठकर इंतजार करो। तीन तीन फांसी के फंदे तैयार हो रहे हैं, इंतजार करो। जरा भी फिक्र नहीं थी कि अगर उसकी उंगलियों के निशान इस फूलदान पे मिल गए तो वो पकड़ा जाएगा। हाँ, देखते हैं इस फूलदान पर उस मारने वाले की उंगलियों के निशान है भी या नहीं। ये क्या है? वाइन की बोतल। सॉरी, प्लेइंग कार्ड्स। लगता है यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी चल रही है। पार्टी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बेचारे को मार दिया किसी ने। सर, जो लोग आए होंगे इसके साथ
उनमें से किसी ने मार दिया होगा इसे। हाँ मगर अभी तक कोई पूछने कैसे नहीं आया, किसी को शक कैसे नहीं हुआ, उसके घर वालों को तो शक होना चाहिए था। देखो जरा इसके पर्स में है कोई मोबाइल फोन वगैरह? ऐसा देखो इसके पति का या घर वालों का नंबर होगा, उनको खबर देनी पड़ेगी। फ्रेडिक्स विवेक जरा रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करो इस लड़की के बारे में। जिस कमरे में से ये लाश मिली है ये कमरा किसके नाम पर बुक था? रानी जी के नाम पर। अब रानी मतलब वो लड़की जिसकी लाश वहाँ पड़ी है कमरे में? जी हाँ। जब रानी जी ये कमरा बुक कर रही थी तब आपको पता था कि वो इसी शहर की रहने वाली है? हाँ। कौन कौन आया था रानी से मिलने? सर तीन लड़कियाँ आई थी उनसे मिलने। ये तीनों लड़कियाँ एक साथ आई थी? नहीं सर, तीनों अलग अलग आई थी और तीनों ने आकर एक ही सवाल किया था कि रूम नंबर 203 कहाँ पर है, रानी से मिलना है। विवेक कहीं तीनों लड़कियों में से तो किसी ने खून कर लिया रानी का? हो सकता है सर। नहीं सर, इसका पति फोन उठा ही नहीं रहा। फोन उठा नहीं रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं सर? हाँ पता चल गया सर, इस लड़की का नाम रानी है और इसी शहर में रहती है सर। रानी इसी शहर के रहने वाली है, तो फिर यहाँ होटल के कमरे में क्या कर रही होगी? सर हमारा अंदाजा ठीक था सर, रिसेप्शनिस्ट भी यही कह रही है कि रानी ने ये कमरा एक किटी पार्टी के लिए बुक किया था सर। किटी पार्टी के लिए? और कौन कौन आया था यहाँ पे? सर इसके साथ और तीन लड़कियां थी सर। अच्छा इन तीनों लड़कियों को होटल में आते जाते हुए किसी ने देखा? रिसेप्शनिस्ट ने इन तीनों को आते हुए तो देखा लेकिन जाते हुए नहीं देखा सर, उसे तो उन तीनों की शक्ल भी ठीक से याद नहीं है सर। इसका मतलब खून तो इन तीनों लड़कियों में से ही किसी ने किया है, नहीं तो भागती क्यों, किसी को बुलाती हल्ला मचाती? तीन लड़कियां, गड़बड़ है अभी ये, गड़बड़ है। गड़बड़ तो है सर, रिसेप्शनिस्ट के पास इन तीनों लड़कियों के नाम और पते तक नहीं है सर। ये डायरी में यहाँ पे चार लेटर्स लिखे हुए हैं RCPN, ये उन लड़कियों के नाम होंगे सर, किसे कितने पॉइंट्स मिले क्या स्कोर हुआ वो लिखते हैं ना। आर तो ये रानी है बेचारी, CPN क्या हो सकते हैं नाम ये? सर इसी के मोबाइल से ढूंढते हैं किस किस लड़कियों के नाम CP और N से शुरू होते हैं। देखो जरा तो फ्रेडिक्स ये सारा सामान ध्यान से एविडेंस बैग में रख लो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। और अभिजीत देखो कोशिश करो फिंगरप्रिंट उठाने की इस नोट पैड से। मिल गया सर, तीनों लड़कियों के नाम मिल गए। सी से है चांदनी, पी से है प्रीति और एन से निधि। सर ढूंढो इन तीनों और लेके आओ ब्यूरो में। ये किटी पार्टी किसने रखी थी होटल में? रानी ने। फिर क्या हुआ, तुम गई होटल? हाँ मैं गई थी होटल में करीबन करीबन 2 बजे। फिर क्या हुआ बताओ, रानी मरी कैसे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं तो जैसे ही कमरे में घुसी मैंने रानी की लाश देखी थी फर्श पर, फिर मैं इतना घबरा गई कि मुझे कुछ नहीं पता। दरवाजा खुला हुआ? हाँ मेरा मतलब है जैसे ही मैंने खटखटाया अपने आप खुल गया। अंदर कोई था? नहीं कोई नहीं। ठीक से याद करके बताओ, कुछ देखा होगा तुमने वहाँ शायद? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, मैं लाश को देख के इतना घबरा गई थी कि। याद करो, देखा होगा तुमने कुछ? हाँ वो शायद फर्श पर कुछ गिरा हुआ था। जब मैं होटल पहुंची तो मैंने देखा कि रानी वहां पर मरी पड़ी है होटल के रूम में। कमरे का दरवाजा खुला था? कमरे का दरवाजा खुला था? हाँ हाँ सब खुला खुला था। अच्छा खुला जी। जाकर जरा प्रीति से पूछो कि जब वो कमरे से बाहर गई तो उसने दरवाजा बंद किया था क्या? पूछने की क्या जरूरत है सब, मैं कह रही हूँ ना कि खुला था। एक मिनट, कमरे से बाहर निकलने के बाद तुमने दरवाजा बंद किया था कुछ याद है? याद तो नहीं है पर शायद खुला रह गया था। ये बता लाश देखने के बाद तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया?
उस समय मैं बहुत डर गई थी। अभी मेरे शोर मचाने से रानी वापस तो नहीं आ जाती ना, उल्टा मैं ही फंस जाती उसके खून के इल्जाम। और क्या याद है तुम्हें? और क्या याद है? बाथरूम में कोई था। क्या? तुम्हें कैसे मालूम कि बाथरूम में कोई था? कोई आवाज आई? हाँ, वो मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी थी। राने को मारा किसने? मैं नहीं जानती। आपको किसी पे शक है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो होगा रानी का दुश्मन, नहीं तो फिर उसका खून क्यों हुआ? अच्छा ये बता, ये रानी का पति कहां पर है? कहां पे रानी का पति? सब उसके पति से बिल्कुल नहीं बनती थी, यहां तक कि बोल चाल भी नहीं थी आपस में। बनती नहीं थी मतलब? सर, उसके पति उस पर शक करते थे और कई बार उस पर हाथ भी उठाया था उन्होंने। रानी का पति उसे मारता था? जी, मुझे तो लगता है कि उसी ने मारा होगा उसे। अच्छा, और हमें तो लगता है कि रानी का खून तुम तीनों में से ही किसी ने किया है। होटल में कमरा बुक किया, कुछ सामान लेके नहीं आए, सिर्फ एक पर्स लेके चले गए। क्या हुआ यहाँ पे? वे एक छोटी सी छोटी चीज पे भी नजर रखो। सर, एक छोटा सा बाल भी मिल जाए ना तो हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। चली अगर यहाँ पे तो फिर लगी किसे? यहाँ पे कहीं और तो खून दिख नहीं रहा। यहाँ पे गोली चलने की आवाज सुनी किसी ने? सर, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हंगामा हो जाता। मालूम है हंगामा हो जाता, यहाँ पे खून हो गया और आप लोगों को पता भी नहीं चला। सर, अगर एक पिस्टल से भी फायर किया गया हो तो गोली का शेल वहीं पे गिरेगा जहाँ पे फायर किया हो, राइट? तो मगर यहाँ पे ऐसा लगता है कि फायर किया ही नहीं हो। ये मैं भी सोच रहा हूँ, अगर फायर नहीं हुआ तो फिर ये गोली का शेल यहाँ पे आया कहाँ से? सर, शायद ऐसा भी हो सकता है कि गोली किसी और जगह पे चली हो और कोई इस शेल को इस कमरे में लेके आया हो सकता है। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये गोली पिस्टल में से नहीं रिवॉल्वर में से चली है। रिवॉल्वर में से? सर, गोली रिवॉल्वर में से चली, और चूंकि रिवॉल्वर में जब गोली चलती है तो शेल रिवॉल्वर में से गिरता नहीं, उसी में रहता है, तो शायद ये शेल एक रिवॉल्वर के साथ इस कमरे में आया है। मतलब सर, इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था? हो सकता है। अगर सर, रानी का खून तो फूलदान के मारने से हुआ है ना, सिर पे? फूलदान मारने से हुआ है, पर शायद इस कमरे में एक रिवॉल्वर भी था। बस का टिकट? नहीं, बस का टिकट तो नहीं मिला, पर एक गोली का शेल मिला है। हाँ, शायद रिवॉल्वर का है। नहीं, रिवॉल्वर तो अभी नहीं मिला है। सालके, नरेश लास को गौर से देखो और बताओ क्या इसे गोली लगी है? अरे बॉस, कितनी बार बताया इसे कोई गोली वोली नहीं लगी। इसके सर पर इतना बड़ा चोट का निशान दिखाई नहीं देता तुम्हें? सालके, अभिजीत को होटल के कमरे में एक बुलेट का शेल मिला है। अभिजीत को होटल के कमरे में अगर अंडे का छिलका मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसको अंडे से मारा है यार। देखो सानू के, तुम्हारा मूड अगर इस गुंगे की वजह से खराब हुआ है ना तो उसका गुस्सा इस लाश पर मत निकालो, समझे? गुंगे को तो, मुझे दो तीन दिन तो बस, फिर मैं बताऊंगा इस गुंगे का मैंने क्या किया। बस या तो लैब में ये गुंगा रहेगा या मैं रहूंगा, बस। सर, वो आप कह रहे थे ना कि इस लाश के सर पर चोट लगी है, इस वास पर जो हमें खून मिला है वो भी इसी लड़की का, तो बात साफ है कि खून इसी वास से किया गया। तो फिर सर, वो गोली का शेल? दया, उस शेल को तुम लैब में लेके आओ, फिर देखते हैं। तारिका,
क्या इन तीनों में से किसी की उंगलियों के निशान है इस वास पर? नहीं सर, तीनों में से किसी ने भी वास को हाथ नहीं लगाया। तो फिर इसे मारा किसने? देखिए सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने आपको बता दिया है। तुम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं गया था उस होटल के कमरे में। लेकिन हमारी उंगलियों के निशान थोड़ी ना है उस वास पर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर कोई टेस्ट बचा हो तो मैं तैयार हूँ। और वैसे भी खून तो इन दोनों में से किसी ने किया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि खून हम दोनों में से किसी ने किया है? सबसे पहले तुम गई थी ना उस कमरे में? गई थी कि नहीं? सर, रानी का खून इसी ने किया है। किसी ने? मैंने? मानता हूँ सर, हमसे गलती हो गई। कमरा देने से पहले हमें अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए थी रानी मैडम से। पर सर, मेरा दावा है कि गोली यहाँ पर नहीं चली है। तो फिर ये गोली का शैल यहाँ पे आया कैसे? शायद रानी मैडम अपने पर्स में लाई होंगी। क्या फिर रानी के पास एक रिवॉल्वर होगा? ये बताओ, इस कमरे में से कुछ निकाला गया? सर, लॉन्ड्री बॉय ने कुछ सामान निकाला था। बुलाओ उसे। एक मिनट, लॉन्ड्री बॉय को बुला के ले आओ। जी। तुमने यहाँ इस कमरे से कुछ निकाला था? सर, मैं आया, मैंने टेबल साफ की और वो गंदा टेबल क्लॉथ पड़ा था जिसे मैं ले गया। ओके। उसमें देखा था क्या था? नहीं। वो टेबल क्लॉथ अभी कहाँ है? लॉन्ड्री में सर। चलो देखा। सर, ये वाला, ये वाइट। एक मिनट, एक हमें देखने दो। टुकड़े हैं जो मैडम से टूट गए थे सर, इसीलिए मुझे बुलाया गया था टेबल के कपड़े बदलने के लिए। की बोतल टूटी नहीं बल्कि जानबूझ के तोड़ी गई ताकि ये गन ठिकाने लगाई जा सके। अभिजीत ने तो कमाल कर दिया, आखिर गन ले ही आए। अरे डॉक्टर तारिका, आप कह रही हैं तो कमाल ही होगा, वरना ये तो मेरे लिए छोटा मोटा काम ही है। लो भाई, कंफर्मेशन मिल गया। अभिजीत, तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। सर, एक निशान मिला है गन पे। देखो। तारिका, एक काम करो, इन तीनों के उंगलियों के निशान लेकर देखो मैच होता है कि इस निशान के साथ। जी सर। अब बताओ, आप में से किसने गन छुपाई थी? बोलो। मैंने तो जिंदगी में कभी गन देखी भी नहीं है। अच्छा, निशान है वो इन तीनों में से किसी के नहीं। क्या? तो फिर सर, कमरे में गोली का शैल आया कहां से? जरा फिंगरप्रिंट देना। जी। ये क्या है? इस फिंगरप्रिंट पे तो लाइन है, स्कार है। जी सर, लगता है गोली चलाने वाले की उंगली में कोई स्कार है, कटने का निशान। कहां देखा था मैंने ये? एक मिनट में देखो। ये देखो ना, रानी की उंगली। तारिका, तुमने लाश की उंगलियों के निशान लिए ना? जी सर। चलो मैच करके देखते हैं बॉस, ये निशान इसी की उंगली का है या नहीं।
तार वाली उंगली का निशान। इसका मतलब गोली रानी नहीं चलाई। सर, रानी ने गोली चलाई थी। सर मेरा तो पूरा दिमाग घूम रहा है सर। अगर ये रानी मर चुकी है तो फिर ये गन कैसे चला सकती है सर? अरे फ्रेडी, ये गोली उसने मरने से पहले चलाई होगी। मतलब होटल में आने से पहले? हाँ, होटल में आने से पहले गोली चलाई और फिर ये एक रिवॉल्वर है। होटल के अंदर किसी तरीके से शेल गिर गया होगा। फ्रेडरिक्स, रानी के पति का कुछ पता लगा? फोन लगा उसका? सर उसी दिन से लगातार फोन कर रहा हूँ सर, घंटियां बज रही है वो उठा नहीं रहा। पता लगाओ ये रानी का हस्बैंड रहता कहाँ है। जी कहिए। ये रानी का घर है ना? हाँ, लेकिन कमाल है, रानी का शहर में घर होते हुए भी उसे होटल का कमरा बुक करना पड़ा। होटल में? ये आप क्या कह रहे हैं? होटल ब्लू पैराडाइज, कल दोपहर को रानी ने वहां पे एक कमरा बुक किया, किटी पार्टी। हाँ बताया था उसने मुझे। तो रानी ने ये नहीं बताया कि कोई उसका खून करना चाहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? कल दोपहर से वो यहाँ नहीं आई है, तो आपने कुछ नहीं किया? पता लगाने की कोशिश नहीं की? कहाँ है वो? जी मैं क्या लगा रखी? होटल के कमरे में किसी ने खून कर दिया रानी का। क्या रानी का खून? अबे क्या हो रहा है, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। मैं रानी के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रहा था। गुड। छे पार्किंग लॉट अटेंडेंट कौन? जी साहब। छे रानी मैडम जिसका खून हुआ, जब गाड़ी पार्क कर रही थी तब आप पार्किंग लॉट में? जी साहब मैं ही था। साहब वो रानी मेरे सब कुछ अजीब से थी। अजीब से थी? रानी की गाड़ी अभी भी पार्किंग लॉट में, अच्छी तरह से जाकर चेक करो। दोपहर को आप सभी लोग यहीं पर थे? जी। तो रानी के कमरे में किसी को जाते हुए या उसके कमरे से किसी को आते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं, मैं अपने कमरे में ही था। मैं भी शाम तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा, किसी के भागने की या चलने की आवाज सुनी? भागने की तो नहीं, पर हाँ करीब उसी वक्त किसी के पैरों के चलने की आवाज आई थी मुझे। हाँ, और कुछ सुना? पैरों की आवाज 5-6 कदम तक तो मुझे सुनाई थी और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। अच्छा, आपका कमरा कौन सा? जी वहाँ पर। ये वाला रानी का? रानी का कमरा ये 5-6 कदम। अगर वो आदमी लिफ्ट या सीढ़ी तक गया होगा सर, तो कम से कम उसे 15-16 कदम चलना पड़ेगा। 5-6 कदम बाद गायब हो गया। तो फिर वो आदमी आखिर गायब कहाँ हो गए? अभिजीत, इसलिए खूनी को सीढ़ी या लिफ्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 6 कदमों में वो यहाँ इस कमरे में घुस गया। कौन रहता है इस कमरे में? सर कोई ध्रुव नाम का आदमी है जो कल रात बाहर गया था और अभी तक नहीं लौटा है। और मैनेजर तुम तो कह रहे थे कि सभी लोग यहाँ आ गए, तुमने पूछताछ करने की भी कोशिश नहीं की? चुप रहो, खोलो दरवाजा। हाँ सर, परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ बदबू भी आ रही है सर। मुझे लगता है किसी ने कार में मच्छर मारने की दवाई छिड़क दिया। अरे सर, कार में तो रानी बैठी हुई थी, रानी के मुंह पे किसी ने कैसे मारी होगी ये मच्छर मारने वाली दवाई? शायद ये रानी यहाँ होटल में आने से पहले किसी ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे ये मच्छर मारने की दवाई छिड़की जा रही है। हमें उन सभी जगहों का पता करना होगा जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वालों ने कल ये स्प्रे छिड़का था। हे भगवान, इस आदमी ने क्या हालत बना दी कमरे की।
मानो हर एक चीज से। आप जरा यहां रहने वाले आदमी का नाम और पता दीजिए। जी सर। सर, जब हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके पूछताछ की तो पता चला कि पिछले दो दिनों में करीब 40 जगहों पर मच्छर मारने की दवाई स्प्रे की गई है। 40 जगहों पर मच्छर मारने की दवा स्प्रे की है, इसका मतलब है ये रानी 40 जगहों में से किसी भी एक जगह पर हो सकती है। हाँ सर। तो पता कैसे चले कि किस जगह पर गई थी, कहाँ गई थी? सर, इन 40 जगहों में से एक ये केकी नगर है जो रानी के घर के और उस होटल के बीच में पड़ता है जहाँ पे रानी का खून हुआ है। सर, इसका मतलब किटी पार्टी में जाने से पहले ये केकी नगर गई होगी। सर, ये ध्रुव नाम के आदमी ने अपना नाम और पता नकली लिखवाया हुआ है। नाम नकली मतलब सर गड़बड़। शायद इसी आदमी ने रानी का खून किया होगा सर। हाँ, एक काम करो, इस ध्रुव की उंगलियों के निशान जो हमें होटल के कमरे में मिले हैं, देखो वो हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में है क्या। हो सकता है इसने पहले भी कोई खून किया। सर, सर, इस केकी नगर में जाओ, वहां पर रानी के फोटो दिखा, देखो कुछ पता चलता है क्या। सभी दुकान वालों से पूछ लिया सर, अगर ये लड़की दो तीन दिन पहले यहाँ आई भी होगी तो कौन याद रखेगा सर? एक बिल्डिंग बची है, चलो यहाँ भी पूछ लेते हैं। ऐसा कम करो। कौन 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 है? CID। कहाँ CID? हम आप नमस्ते साहब, क्या बात है साहब? जरा ये फोटो देखो, इस लड़की को इस इलाके में देखा था दो दिन पहले। ये तो रानी मैम साहब का फोटो है सर। तुम इसे पहचानते हो? जानता हूँ। आप भी क्या मजाक करते हैं साहब, रानी मैम साहब हमारी बिल्डिंग में तो रहती है। रानी इसी बिल्डिंग में रहती है? हाँ साहब। रानी तो अपने पति के साथ कहीं और रहती है। नहीं नहीं साहब, रानी मैम साहब इसी बिल्डिंग में रहती हैं अपने पति के साथ। हाँ, लेकिन दो दिन से वो घर वापस नहीं आई है और ना ही उनके पति वापस आए हैं। जरा उनका फ्लैट दिखाना। रानी जी के पति हैं अजय साहब। ये रानी का पति? तुम चश्मा पहनते हो क्या? नहीं सर। अरे रानी का पति अनुज है, अजय नहीं, समझे? ये देखो, ये है रानी का पति अनुज। ये कौन है साहब? इन्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। रानी अपने पति के साथ रहती थी ना यहाँ पे? जी पति के साथ ही रहती थी, पर ये वाला पति नहीं, अजय साहब के साथ रहती थी। रानी के दो दो पति। जरा अनुज को फोन लगा, उसे यहाँ बुला, पूछे तो सही उससे कि वो रानी का पति है या कोई और। सर फोन उठा नहीं रहा है सर। अच्छा, तुम्हारे पास इस अजय का नंबर है? जी एक मिनट सर, 10209-8716। ये लो सर, इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है सर। ओ,
एक पति का फोन लग नहीं रहा, वो उठा नहीं रहा है, दूसरे का स्विच ऑफ आ रहा है, कमाल हो गया। रेडी, मोबाइल फोन कंपनी वालों को कहो कि वो ढूंढ के बताए कि ये दोनों मोबाइल फोन इस वक्त कहाँ है। पता तो करें कि ये अनुज और अजय किस एरिया में छुप के बैठे हैं। सर, सर दूसरे होटल के रूम के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं सर। किसके उंगलियों का निशान? सर ये देखिए, रॉबिन नाम है इसका। रॉबिन पहले भी दो दो फोन कर चुका है और फांसी भी हुई थी इसे, और लिखा है कि कोर्ट में वकील ने साबित किया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे असाइलम में भेज दिया गया। बॉस, ऐसी खबर लेके आऊं जैसे सुनकर अभिजीत तो गाना गाने लगे। अरे सिर्फ मैं ही क्यों भाई, ये जो उंगलियों के निशान तुम होटल के कमरे से उठाकर लाए थे ना, वो मैच हो गए। मैच हो गए किससे? फुलदान से। उस फुलदान से जिससे रानी का कत्ल हुआ था? इसका मतलब खून करने के बाद वो सीधा उस कमरे में ही गया। सोलंकी, अब मैं भी तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम नाचने लगोगे। अरे तो बॉस जल्दी सुनाओ ना, मैं तो नाचने के लिए कब से बेताब हूँ। सोलंकी, वो जो उंगलियों के निशान मिले ना, वो एक खूनी के जो पहले भी दो दो खून कर चुका है और जिसे दिमाग की बीमारी है। ये बात सब आगे ये भी लिखा है कि ये आदमी असाइलम से भागा है। मगर इसके पास होटल में रहने के लिए पैसे कहाँ से आए होंगे? किसी ने दिए होंगे या फिर किसी से लिए होंगे? बॉस ये खून किसी ने करवाया। सर रॉबिन को नाइट क्लब्स और डिस्कोस में जाने का बहुत शौक था सर, और आखिरी बार भी उसे एक डिस्को में ही अरेस्ट किया गया था सर। तो, डिस्को में? आदे क्या रानी के पति के फोन का पता चल गया? सर ये फोन अजय का। दया यहीं पे बताया था, मोबाइल कंपनी वाले ने बताया था कि फोन यहीं कहीं है आस पास। चलो ढूंढते। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम करो सर, मेटल डिटेक्टर लेकर आओ। सिग्नल यहाँ से आ रहा है सर, फोन के साथ बैटरी भी काट दिया किसी ने। सलून के अंदर खुद का देखते हैं। इतनी बड़ी बोरी बोरी नहीं है, कुछ और भी है। निकालो इसे बाहर, खींचो से संभाल। ले लो, ले लो उधर संभाल के रखो। माय गॉड, ये तो अजय है। हाँ ये देखिए सर, ये गोली मार के खून किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी ने ही इसका खून कर दिया और फिर वो होटल चली गई? सर रानी ने इसका खून किया अपने होटल गई किटी पार्टी के लिए, वहां पे किसी ने रानी का खून कर दिया। पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसका असली पति है कौन, ये अजय या वो अनुज? रानी और ये अजय, ये दोनों तो मर चुके हैं, अब बचता है वो अनुज। सर उस अनुज की चोंच खोलनी पड़ेगी। फ्रेडरिक्स वेक, तो घर के पीछे की तरफ जाओ, देखो भागने का कोई रास्ता है क्या। सर जल्दी बैठो।
मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो भाई झूठ क्यों बोला तुमने? हाँ कि तुम रानी के पति हो, बोलो। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं किसी का पति पति नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ, सिर्फ बॉयफ्रेंड। मुझे क्या पता था कि रानी होटल के रजिस्टर में जाकर मेरा नंबर और एड्रेस दिखवा देगी। बहुत बड़ी बेवकूफ थी वो। अजय का खून तुम दोनों ने मिलकर किया है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। वो खून तो रानी के हाथ से, रानी के हाथ से अनजाने में हो गया था सर। आज का सबसे बेहतरीन जो अभिजीत, मैंने तो सुना था कि लोग अनजाने में गिरते हैं, फिसलते हैं, चोट लग जाती है, मगर अनजाने में खून। कुछ भी हो सकता है सर, आजकल कुछ भी हो सकता है। अजय को इन दोनों के अफेयर्स के बारे में पता चल गया होगा, खून कर दिया इन लोगों ने। तुम कहां थे जब रानी ने गोली चलाई? सर उस वक्त मैं अपने घर में था सर। सही सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। मैंने तो अजय की लाश को सिर्फ जमीन में गाड़ा सर, और कुछ नहीं किया सर मैंने, और कुछ नहीं किया। अजय की लाश को तुमने जमीन में गाड़ा? अच्छा, और फिर उस आदमी को किसने भेजा रानी को मारने के लिए होटल में? मैं तो रानी से प्यार करता था सर, मैं क्यों भेजने लगा किसी को? तुमने नहीं भेजा था उसे? हाँ? नहीं सर, नहीं। हेलो, क्या रॉबिन मिल गया है? कहाँ पे है? अरे सुनो। हाँ सर। ये रॉबिन कौन है? सर वो रहा। वो? हाँ वो। टेबल पे ले चल। देख, बताओ रानी को क्यों मारा तुमने? रानी? ये रानी। ये? हाँ ये। बोल, क्यों मारा इसे? One minute. सर ये तो पूरा पागल है सर। अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है कि इसने पैसे लिए रानी को मारने के लिए? किसने पैसे दिए थे? मुझे पैसे दिए थे बंदर ने, सांप ने, और बिच्छू ने। तो बिच्छू ने पैसे दिए थे तुम्हें? हाँ? किस बिच्छू ने पैसे दिए थे? सर देखा, मेरा हाथ गंदा कर दिया सर इसने। इस पे तो बिच्छू बनाया है इसने। बिच्छू? एक मिनट, अब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये किस बिच्छू, बंदर और सांप की बात कर रहा है अभिजीत? अच्छा 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 अच्छा, उसकी बात कर रहा है। चलो फिर तुम्हें घुमा के लाते हैं। चांदनी, 12 बज रहे हैं इस समय, तुम्हारे घर में कौन आया होगा? देख, मैं देखती हूँ। ओके, और तू चीटिंग मत कर। ओके यार। तुम क्या कर रहे हो?
थी ना, इसलिए आ गया मिलने। कैसे नहीं आना चाहिए? तुम अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो तुम? अरे तुम तुमको भी मैंने मना किया था। ड्रेस क्यों नहीं आया? अरे रुको रुको, मैं अंदर कहाँ आ रही हूँ? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हाँ हम लोग सर यहाँ। अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं आपको फोन करने वाली थी सर। देखिए ना ये आप ही जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुसाए सर। अच्छा, पर ये आदमी तो कह रहा था कि तुम तीनों ने पैसे दिए थे इसे रानी का खून करने के लिए। क्या इसने आपसे ऐसा कहा सर? सही है, झूठ बोल रहा आदमी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जैसे रानी को मारा था, विक। क्यों? अब बता। तुम्हें कैसे पता चला कि रानी को इसने ही मारा? क्यों? नहीं मारना चाहते थे तो फिर रॉबिन को पैसे क्यों दिए थे रानी का खून करने के लिए? सब हमने तो बस डराने के लिए पैसे दिए थे, हमें क्या पता था कि वो उसे मार डालेगा। सिर्फ डराने के लिए? सर दरअसल वो हम चारों सहेलियों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम 25-25 लाख रुपए जमा करेंगे और वो पैसे जमा करके हम एक बुटीक खोलेंगे। हमने फैसला किया था कि पैसों का हिसाब किताब रानी देखेगी, तो अपने हिस्से के 25 लाख उसे दे दिए। फिर क्या हुआ? इतना सारा रुपया देकर उसकी नीयत खराब हो गई और हम सब का रुपया लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना चाहती थी। इसीलिए सर हमने अपने पैसे वसूलने के लिए ये सब किया। हमें क्या मालूम था कि ये पागल उसको जाके मार ही देगा। रॉबिन को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन रानी के खून के लिए तुम तीनों भी जिम्मेदार हो।